नमस्कार दोस्तों, खेतरी नगर पालिका चुनावों की चौसर बीत चुकी है, चुनावों की आचार संहिता लग चुकी है। उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी रणनीति बनाने में मशगूल हो चुके हैं। विशेषकर इस बार जो देखने को मिलेगा, युवा चेहरा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया से प्रचार भी शुरू हो गया है। अब हमारी टीम KTRVO की टीम खेतरी के हर वार्ड में जाकर के जायज़ा लेगी, कितने पिछले 5 साल में कार्य हुए, कितने अधूरे रहे, चेयरमैन है या पार्षद हैं, कितनी अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं, कितने कार्य अधूरे रहे हैं और आगे क्या जनता की अपेक्षाएं हैं, वो हम अभी खेतरी के वार्ड नंबर 4 और 7 के बीच में आ पहुँचे हैं। वहाँ से पूछते हैं भाई क्या अपेक्षाएं हैं। यहाँ पर कुछ बैठे हैं, सर्दी का समय है और आग जला रखी है, फिर इनसे ही पूछते हैं कि कितने काम हुए आपके वार्ड में, कितने काम हुए आपके। बोलो, ये तो शर्मा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कितने काम हुए हमारे वार्ड में। मैंने तो किसी भी पार्षद को कुछ भी करते नहीं देखा 10 साल से। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ, इतना बड़ा हो रहा है, कुछ भी मैंने किसी भी पार्षद को कुछ भी नहीं करता देखा। पहले इतनी पानी की समस्या थी, अभी भी पानी की समस्या है, 4-5 दिन से पानी आता है, हर चीज़ की समस्या है। रोड भी डली है, तो इतनी वो नहीं, बिल्कुल नकली रोड डली है, वापस टूटने लग गई जल्द से जल्द, जल्दी टूट गई। अभी डली थी वो, और अभी देख लो आपके सामने इतनी खास नहीं डली वो, ठीक है। वैसे काम से काटा है अपना, और वो कोरोना बीमारी आई थी, पार्षद ने एक बार भी आके नहीं दिखा हमारा, नहीं हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो एक बार आके थोड़ा बहुत सहयोग तो देना चाहिए ना बाढ़ को। बाढ़ से इतनी उम्मीद लगते हैं तो हम भी तो उनसे उम्मीद लगते होते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं। और भी उम्मीदवार और भी यहाँ पर जो बैठे हैं, लेकिन सभी शर्मा रहे हैं, किसके खिलाफ बोले किसके खिलाफ नहीं, इसलिए कुछ संकोच कर रहे हैं। नंबर 4 में एक माई खड़ी है, इनसे पूछते हैं कि माई ए वार्ड में कोई काम होयो के? ये काम होयो, ये सड़क कोई काम होयो और कुछ ही कोई काम होयो, या राशन का राशन में भी मिल गया बस, और दो ही काम होया। या बीमारी भी आई कोरोना, तो हमें यो खाद्य सुरक्षा में जो राशन मिलना चाहिए तो वो भी मिलो कि ताने? वो 5 किलो मिलो। नहीं वो तो बहुत आए हो, विधायक कोटा को, विधायक कोटा को भी आए हो, कोटा को आयो ना जी को 5 किलो मिलो, अलग से कुन मिलो कोई भी? भैया अलग से नहीं मिलो, बस भैया 2 कट्टा मिल गया मान, तो देखो झूठ कौन बोला। तो वार्ड में कोई काम भी बच रही होगी, कोई आगे के करवाना चाहो थे? अब करवाना चाहो, देखो गंदगी देख लो कितनी हो रही है, एकदम सही सारी गंदगी गांव में ही हो रही है, देख चारों मेर गंदगी हो रही है, मैं तो खड़े होने जो गई को नहीं। देखो तो ये चुनाव आगा, पार्षद पहलड़ो भी आओगो जो लड़ेगो, तो नहीं ई बाड़ो भी आओगो, नयो लड़ेगो लड़ेंगे हुए तो नयो लड़ेगो, कोई काम करेंगे जिको नयो लड़ेगो ने तो भी नहीं देंगे। ये जो वार्ड है ये वाल्मीकि समाज का वार्ड है, और इस वार्ड में जो विशेष काम होने चाहिए थे, लेकिन इन वार्ड की महिलाओं से कुछ नहीं कर रही है वार्ड में। काम होयो कदे उरे? कुछ ही काम को नहीं होयो, पानी का तो प्यासा मजार को काम कर दे रहा मेरे यहां, कुछ को नहीं काम होवे, जैसे गंदगी में पड़या देखो। तो सरकार तो या कहे बहुत काम कर रहे हैं, सरकार आपकी आपका जिम्मा वाले ने सरकार मारा नहीं सीधा रे सर की मीन हमार। तो ये वो जो वोट टांग ले आ गई, पार्षद आऊंगा वोट मांगने, जद तो वोट रुपया दे जाओ और वोट ले जाओ, माने भी तो बेचता है भी। हाँ ये बात भी बिल्कुल फैक्ट बात कही भाई, चुनाव में पार्षद चुनाव जीत करके बिकते हैं तो इनका भी यही तर्क है कि बिका हुआ पार्षद नहीं चाहिए। नहीं मानते ऐसे पार्षद चाहिए, मारन सुलता सही तो करे छालता, मैं तो बाहर गालता डोला गलिया में बारी काटता, और पार्सल रुपया ले लेकर गद्दा गद्दा आपका पेट भरा, मैं बाकी बाहर गला के पार्सल की। अब इनसे पूछ गए, अब चुनाव आ गए, अब क्या कहेंगे आप? चुनाव वोट देंगे, इसी बात को नहीं वोट देंगे, पर मारो काम कराओ। क्या काम है? मैं तो गंदगी का मैं पहली बार तो देखो नलो पड़े हमारे कन्ने, इन नले का मैंने रोटी भी बनाओ खावा भी और बेटा खावा, समस्या हमारी सारी यह है ना, कोई मारा नौकरी ना मारा कोई रोजगार। तो आज से चुनाव मंडगोयो, इस तड़का से आज से धारगन पार्षद आऊंगा वोट लेने के लिए, जब उनने के ठगो सो जवाब दोगे? मैं जब यो जवाब देंगा कि पहले मारो यो काम करो और वोट थाने देंगा, कोई नहीं गोंदिया समस्या हल करो, सीधी सी बात है। 4 नंबर वार्ड की महिलाओं ने जो समस्याएं बताई है
वो बिल्कुल धरातल पर वो समस्याएं पड़ी हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो गंदगी है इस वार्ड की, जो वैसी की वैसी पड़ी है, इनका तर्क बिल्कुल सही है। जो कार्य होने चाहिए थे वो धरातल पर बिल्कुल नहीं हो पाए हैं। ये जो इनका पार्षद आते हैं वो सिर्फ, इनका कहना है कि सिर्फ हमें बेचते हैं जा कर के, तो कहीं न कहीं इनका तर्क बिल्कुल महिलाओं का सही है और इनका कहना भी बिल्कुल सही है। वार्ड में गंदगी बहुत है, पानी की समस्या बहुत है। आने वाला पार्षद और चेयरमैन देखने वाली बात होगी कि क्या काम करवाता है इस वार्ड में। हमारे पास एक विकलांग है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और इनका कहना है, क्या कहना है इनका, इनको क्या सुविधाएं मिली इन 5 साल में या नहीं मिली? क्या सुविधाएं मिली आपको? कुछ नहीं मिली 5 साल में। पेंसिल मिली? बोल दे। कुछ को नहीं मिली। मान मानते हो, देखो कुछ को नहीं मिली 5 साल ना, पेंसिल ना कोई पेंसिल कुछ को। क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आप जो नहीं मिली? मैं रोजगार होना चाहिए तो मेरा टावर का बड़े बड़े इनकी पेंशन नहीं है अभी, जो कुछ पेंशन वृद्धावस्था की या अन्य जो पेंशन होनी चाहिए वो को नहीं मार की पेंशन मान तो कंट्रोल बीपीएल का। और क्या सुविधा मिली आपको? तो इनका कहना है कि बीपीएल होते हुए सिर्फ अनाज अनाज मिला है, अन्य कोई सुविधा इनमें नहीं मिली, न पेंशन मिलती है, न वृद्धावस्था की है, न ये विकलांग भी है, न विकलांग की पेंशन मिली है। कहीं न कहीं सिस्टम में ज़रूर खामियां हैं और उस खामियों को इनको खुल के बोलना चाहिए। जो भी पार्षद आए, चेयरमैन आए, उनको बताना चाहिए भाई पिछले 5 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या योजनाएं होंगी उनकी, यही पूछना होगा। यही लोकतंत्र मजबूत हो। ये जगह हम जो खड़े हैं यहाँ पर वो 7 नंबर वार्ड की जगह है और यहाँ पर यहाँ से ग्रामीणों से पूछते हैं कि इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं, क्या स्थिति है और इनकी जो समस्याएं हैं कभी दूर हुई है या नहीं हुई है। सर क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये है, 5 नंबर वार्ड 7 नंबर वार्ड की ना तो गंदगी उठती बराबर, यहाँ पर नालियाँ साफ नहीं होती, पूरी चारों में सीमें आ रही है। मुर्गे गोश्त का इधर कचरा डाल देते तो रात को कुत्ते कुत्ते बच्चों को खा जाते हैं। बहुत इतनी परेशानी हो रही है और हद नहीं, हम तो बहुत परेशान, ना गलियों की सफाई होती है ना किसी से किसी गली में हो रही, 7 नंबर वार्ड में कोई भी नहीं होता। और आप ध्यान करो, कोई भी वीडियो बनाओ देखो कुछ भी, बहुत परेशान है। अब पानी की तो थोड़ी समस्या ठीक है, 3-4 रोज से पानी आ जाता है। नहीं कभी पार्षद को इस बारे में बोलते, बोले तुम्हारे पार्षद, बोले पार्षद तो बिका हुआ है, पार्षद तो बिक गया तो कौन सुनाई करा? कोई नहीं सुनाई करता, ना नगर पाली सुनाई करते ना पार्षद करता, कोई नहीं सुनाई करता है। लिख के भी एप्लीकेशन 2-3 दफा दिखा चुका हूँ। अब चुनाव आओगे फिर पार्षद आएंगे फिर वोट मांगेंगे? हाँ तो वोट मांग कैसे, किसको वोट देंगे? तो हमारा चुनेंगे कोई को, और कासिम को चुना तो कासिम भी सही। तो अब कैसा आपको उम्मीदवार की तो रणनीति तो बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी भाई। कैसा उम्मीदवार हो तो कैसे उम्मीदवार को आप बोल वो तो देखना पड़ेगा तो सब, किसको टाइम देखेंगे, टाइम पे किसको देंगे। हमारा जो आके बात करेगा भाई ये काम हमें करवाऊंगा वो हमारे लिए से, 70 वोट तो मेरे खुद के है, जो काम करवाएगा इसको दिलवाऊंगा, पक्की लिख के दूंगा। कहीं न कहीं इस वार्ड की जो समस्याएं हैं वो नासूर बन रही है। अब यहाँ पर भी जो देखने वाली बात होगी कि सुअर है, कुत्ते हैं और ये पूरा कमेला है, कमेले में गंदगी तो क्या हुआ है यहाँ पर। तो इन वार्ड वालों की समस्याएं हैं वो जायज समस्याएं हैं, पार्षद आने वाला पार्षद के लिए ये गंभीर समस्याएं बन सकती हैं। मोहल्ले वाले उस समस्याओं को लेकर मुखर होंगे और उनको चुनौती मिलेगी।